तो हाय किसन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स, हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हो टेक विंग यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, उसके अंदर आपको चार चीज़ें दिख रही होगी, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज और आउटपुट डिवाइस। तो इन सब के अंदर काम कैसे होता है तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप कोई भी इनपुट देते हो, मान लीजिए आपने या कोई वर्ड चला रखा है या आप कोई कुछ भी कर रहे हो, मतलब लेटर वेटर टाइप कर रहे हो, और फिर आपने क्या करते हो, आप उसको कंट्रोल पी की कमांड देते हो तो प्रिंट होने के लिए। तो क्या होता है, बेसिकली वो जाता है प्रोसेसर के पास में, प्रोसेसर चेक करता है कि आपने क्या कमांड दी है इनपुट में, तो फिर वो उसको आगे लेके जाता है। उसमें क्या होता है, फिर जाता है हार्ड ड्राइव के पास में। अगर आपका डेटा हार्ड ड्राइव के पास है, तो मान लीजिए अगर आपने ऑलरेडी आप वर्ड में काम कर रहे हो तो वर्ड ऑलरेडी लोड है आपकी रैम में, तो वो हार्ड ड्राइव के पास ना जाके रैम में जाएगा, रैम से आपका डेटा लेके आएगा। रैम बेसिकली फास्टली कम्युनिकेशन करने के लिए होती है, जबकि आपको हार्ड ड्राइव क्या थोड़ी स्लो होती है। तो बार बार अगर प्रोसेसर हार्ड ड्राइव के पास जाएगा फिर वापस वहाँ से फाइल्स लेके आएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग रैम यूज़ करते हैं। तो रैम से क्या होता है, रैम जैसे अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो तो मतलब आपका ऑलरेडी जितना भी वर्ड का डेटा है, मतलब जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हो वो ऑलरेडी आप रैम पे काम कर रहे हो। तो रैम से क्या होता है, प्रोसेसर फटाफट रैम के पास आता है, रैम से सारा डेटा लेके आता है, फिर देखता है जो भी आपने प्रिंट दिया है। तो भाई रैम है, रैम के पास गया, भाई आपने देखा कि आपने एक पर्टिकुलर पेज को प्रिंट दिया है, तो पेज को वहाँ से लेके आता है, फिर इसको प्रोसेस करता है और फिर इसको आउटपुट कर देता है आउटपुट डिवाइस में, या अगर आप कुछ ओपन करते हो तो आपको मॉनिटर पर दिखता है। अगर आपने प्रिंट दिया है तो वो आपको प्रिंटर के अंदर दिख जाएगा, भाई आपका प्रिंट निकल जाएगा, वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। आपको पता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये मेन चीज़ होती है, ये बहुत चीज़ बहुत सिंपल है पर बहुत कम लोगों को पता होती है कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलता हूँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में।